जिसको भी बात करना है वो अपना हाथ ऊपर करके, डिजिटल हैंड ऊपर करके पूछ सकता है या बातचीत कर सकता है या शेयर कर सकता है। सो वेलकम, मैं डॉक्टर मनीष सेठी जैन आपका सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में सरिता भी है जो हमारी लीडर है, जादू। सरिता आप करती है ना लीड? यस, मैजिक फॉर टीन्स। मैजिक का कौन सा करती है? आपका इंट्रोडक्शन दो ना सरिता, आप क्या लीड करते हैं जरा बताओ लोगों को। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप क्या लीड करते हैं जरा बताओ ना लोगों को, सबको बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं और टीम्स लोगों का, हम लोगों का जो मैजिक वर्कशॉप होता है। आवाज कम आ रहा है? आवाज बढ़ाओ। बराबर आ रहा है सर, बराबर आ रहा है। मेरे को कम आ रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सरिता रंगाले है और मैं गोंदिया से हूँ। मैं मनीष सर के गाइडेंस में तीन लोगों का मैजिक वर्कशॉप लीड करती हूँ और आप सभी का भी उसमें भी स्वागत है। हम लोगों का टीन्स का वर्कशॉप जो है, मैजिक का, मैजिक बुक रीडिंग का वर्कशॉप जो है वो 10 दिनों का होता है और उसमें मेरी बेटी जो है वो भी पार्टिसिपेट करती है और मैंने काफी चेंजेस उसमें पाए और उसी से मैं इंस्पायर हुई कि बाकी लोगों में भी चेंजेस आना चाहिए। एज अ बीइंग पेरेंट मुझे ऐसा लगा कि सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए सर की हेल्प लेकर मैंने भी सर के पर्पस में कंट्रीब्यूट करने का सोचा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू सरिता। आपको सबको जानकारी के लिए कि हम मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप करते हैं। पिछले 14 महीने से रोज सुबह 6:30 बजे होता है और 6:30 से 8 बजे तक तो होता है, जिसमें लोग अपने अपने जीवन में ब्रेक थ्रू पाते हैं और उसमें मनीष सेठी जैन वो लीड करते हैं, उनके साथ में सरिता है। और कोई लीडर अपने हैं मनीष अभी? उनका पहचान करा दे लोगों से। और कोई लीडर अपने हैं अभी राइट नाउ जो लीड कर रहे हैं? अभी कोई है मौजूद? नहीं मनीष? नहीं है सर, नहीं है। ओके ओके ठीक है। यस, हैप्पी दीपावली। ठीक है, गुप्ता बोलते हैं कि हैप्पी दीपावली, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की और नववर्ष की। अगले गुरुवार को दीपावली नहीं है शायद, मतलब अगले गुरुवार तक, बुधवार तक खत्म हो जाए तो गुरुवार काम कर सकते मेरे ख्याल से सेमिनार। राइट ओके, तो ये जो है ये स्ट्रेस फ्री इंडिया कि हमारे भारत को स्ट्रेस फ्री करना है, तनाव मुक्त भारत अभियान हम चलाते हैं और यह एबंडेंस फोरम इसके बिहाफ में होता है, जिसमें हम सब लोग यहाँ लेक्चर देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और हर गुरुवार को 9:30 बजे कॉल होता है। हर गुरुवार को 9:30 बजे हम नया कुछ ना कुछ टॉपिक लेके स्ट्रेस फ्री कैसा होना है उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मन का कैंसर। मन का कैंसर क्या होता है और ये मन के कैंसर से मुक्ति कैसे पाए, तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ और दिवाली की और नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको देता हूँ, क्योंकि हम दिवाली के बाद में मिलने वाले। राइट, उसके पहले किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, शेयर करना है? एनीबडी? सर मनीष? या सो सभी को मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मनीष सेठी जैन है, जो मुझे नहीं पहचानते हैं उनको मेरा नाम बता देता हूँ। बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं और मेरे जिंदगी का उद्देश्य इस धरती पर जितने भी लोग हैं 7.8 बिलियन अर्थात 780 करोड़ लोग जो है उनकी जिंदगी में बदलाव करना, ये उद्देश्य से मैं जिंदगी जीता हूँ। मैं पिछले 16 साल से जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स लीड कर रहा हूँ और डेली बेसिस के ऊपर हमारा जो प्रोग्राम होता है, जैसे डॉक्टर सर ने बनाया है, हमारा अवेयरनेस फोरम के बैनर के अंदर होता है द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप। रोंडा बॉर्न द्वारा लिखी हुई किताब है ये द मैजिक, जिसका मतलब होता है कि किस तरह से आपके लाइफ के अंदर चमत्कार हो सकता है। वो वर्कशॉप लीड करता हूँ मैं, डॉक्टर दीपक केलकर सर और बाकी बहुत सारे लीडर्स है। सुबह 6:30 से 8 बजे तक होता है, दोपहर में 3:05 से होता है और मराठी में, और बाकी भी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम होता है। तो आपको अगर
इनमें से किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो मैं थोड़ी देर बाद में आपको लिंक डाल दूंगा मैजिक की, तो वो ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको मैजिक के पूरे डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हम प्रोग्राम लीड करते हैं, तो जैसे जैसे मौका मिलेगा आपके साथ में शेयर करूंगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और ये सभी प्रोग्राम फ्री है, मतलब सुबह का मैजिक बुकिंग वर्कशॉप जो है ना फ्री है वर्कशॉप वो, और आप उसका फायदा उठा सकते हैं अपने लाइफ में। सुरेश पवार आपका हाथ ऊपर है, आप बात कर सकते हैं। हाँ सर, सर धन्यवाद सर। यस हेलो सर, आवाज आ रहा सर? यस बोलिए बोलिए। सर मैं अकोला आया था सर, लास्ट आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, आप म्यूट हो गए। अभी आ रहा सर आवाज? यस हाँ, तो सर वो अभी गोली तो ले रहा सर मैं, और गोली से मैं मुझे अच्छा लग रहा, लेकिन प्रॉब्लम कैसा हो रहा मैं, मुझे पहले जो ये पैनिक अटैक आते थे ना, जो गांव में मैं जहाँ जहाँ जाता था समझो गाड़ी पे, तो वहाँ आता था वो अटैक। तो कभी कभी अभी क्या हो रहा, जब मैं ज्यादा जा रहा ना वहाँ, तो कभी कभी मुझे याद आ जा रहा वो जगह की, कि हाँ मुझे वो ऐसा हुआ था, शायद आपको होता क्या है कि ऐसा वो थोड़ा महसूस हो रहा सर। वैसा एक दो बार वैसा डर लगा। अच्छा ठीक है ठीक है, जो भी आपको भी मैंने मेडिसिन दी है वो मेडिसिन चालू रखो, ठीक है। और आपको हिप्नोटिज्म भी बताया था मैंने कि हिप्नोटिज्म करना है, सेल्फ हिप्नोसिस करना है और विजुअलाइजेशन करना है, तो वो चालू रखो, आपको धीरे 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 फायदा होगा। अभी आपको फायदा दिख रहा है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना? और सर आपकी आवाज कट गई, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं, मन का कैंसर। क्या है कि सबको ये पता है कि जब हम बोलते हैं मन, तो मन कहाँ है? और मन जो है वो डेफिनेटली अपने भेजे में, मतलब हाथ में तो मन नहीं है ना, अपना दिल जो धड़क रहा है, धड़क 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 चालू है, वहां भी मन नहीं है, यहाँ तो दिल है कि जो धड़क 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 कर रहा है और खून का सर्कुलेशन कर रहा है। यहाँ फेफड़े है कि जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, फेफड़ों से होता है वो, तो मन अपना दिमाग में होता है। मगर दिमाग में जो मन है तो वो ऐसा एक पॉइंट बता सकते ना कि ये पॉइंट यहाँ मन है, यहाँ मन है, ये यहाँ मन है, ये यहाँ मन है। वो क्या है कि हम जब बात करते हैं मन की, तो इट्स ए बंडल ऑफ थॉट्स, बंडल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। दिमाग में ऐसे थॉट्स के बंडल जमा हुए हैं, अभी तक जो पास्ट आपका हुआ, अभी तक जो अतीत हुआ, भूतकाल हुआ, जो भी आपके दिमाग में अभी तक विचार आए, जो भी आपने विचार सुने, जो भी किया, तो जो विचारों का भावनाओं का एक बंडल जो है उसको बोलते हैं मन। और वो मन कहाँ है? तो पूरे ब्रेन में है, ऐसी एक जगह नहीं है कि वहां मन है। मगर हाइपोथेटिकली एक समझने के हिसाब से हम बोलते हैं कि हमको बाह्य मन होता है और हमको अंतर मन होता है, एक समझने के, या एक भावनिक मन होता है, एक बुद्धि का मन होता है, ऐसा हम बोलते हैं समझने के लिए। और बहुत बार ये भी हम बोलते हैं कि समझता है मगर उमझता नहीं, इसका मतलब यह है कि मेरे को समझ रहा है मगर दिल है कि मानता नहीं, वो करना ही पड़ता है। जैसा ये समझता है हमको कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है और सिगरेट पीने से कैंसर का धोखा ज्यादा हो सकता है, ये मालूम है, सबको मालूम है, सिगरेट पीने वालों को भी मालूम है, ये मालूम होने के बावजूद भी उसका जो अंतर मन है वो उसको मजबूर करता है सिगरेट पीने में, और वो हैबिट बन चुकी है अंतर मन की और वो सिगरेट पीते रहता है। वैसे ही शराब पीने वाले का है कि शराब पीने वाला जो है, सबको मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, शराब पीने से नुकसान होता है, लीवर खराब होता है, और ये सब मालूम होने के बावजूद भी उसका मन मानता नहीं है। जब टाइम हो जाता है, समय आता है, तो उसके पैर नेचुरली उधर चले जाते हैं और वो शराब पी लेता है। हमको सबको मालूम है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, गुस्सा करने से रिश्ते खराब होते हैं,
और गुस्सा किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तबियत भी खराब हो जाती है गुस्सा करने वाले आदमी की। और यह मालूम होते हुए भी जब समय आता है तब हम गुस्सा कर लेते हैं। जो भी जितने भी मोटे लोग हैं उनको सबको मालूम है कि वजन कैसे कम करना, बुद्धि है वजन कैसे कम करना वो मालूम है, मगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और मोटापा वैसे के वैसे रहता है। इसका ही मतलब ये हो गया कि भाई हमको मालूम हो कि कुछ फायदा नहीं है। तो एक बुद्धि है, बुद्धि एक बुद्धि है कि उसको मालूम है, नॉलेज है, और दूसरा है अंतर्मन, मतलब एक ग्वाह्य मन है, कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड पूरा चला रहा है अपने को। मतलब आप अपने आप को नहीं चला रहे, आपको कौन चला रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सब तो ऑटोमेटिक हो रहा है। अन्न पचन हो रहा है तो कौन कर रहा है अन्न पचन? आप कर रहे हैं अन्न पचन, आप खाना खाते हो, पचन होता है, लेट्रिन होती है, आप कर रहे हैं, क्या ऑटोमेटिक हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। हार्ट का देखो, हार्ट आप चला रहे हैं क्या ऑटोमेटिक चल रहा है? हार्ट, दिल धड़क 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 ऑटोमेटिक हो रहा है। सांस आप ले रहे हैं, आप ऐसा लगता है कि आप सांस ले रहे हैं, चलो रोक के बताओ, रोक के बताओ सांस, कितना कब तक रोकेंगे? अल्टीमेटली लेना ही पड़ेगा, मतलब सांस भी आपको लेना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक करना ही पड़ता हो। तो सब अपनी जो बॉडी है ये ऑटो पायलट के ऊपर है, ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटोमेटिक, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। समझने के लिए हम बोलते कि हमको चला रहा कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो बंडल ऑफ थॉट्स है, एक्चुअली जो मन का कैंसर है वो है, इसको बोलते हैं कि थॉट डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर, एक्चुअली थॉट डिसऑर्डर होता है, और उसके साथ साथ परसेप्शन में भी प्रॉब्लम आता है, परसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है। और परसीव करना मतलब जो कान से सुनते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो सुनते हैं वो जो नहीं है वो भी सुनना चालू हो जाता है, जो नहीं है एक्चुअली नहीं है वो सुनना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस बोलते, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, कि जो नहीं है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, जो नहीं है वो दिखता भी है, और जो नहीं है एक्चुअली उसके विचार भी आते, उसके विचार भी आते, तो उसको बोलते हैं थॉट डिसऑर्डर। तो ये जब हो जाता है तब एक तरह की बीमारी है, और उसको बोलते हैं मन की बीमारी, मन का कैंसर, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। और ये जल्दी पकड़ में आ गया, जल्दी बहुत पकड़ में आ गया, बहुत ही जल्दी, तो बहुत अच्छा है, इलाज करना ठीक है, इलाज कर दिया तो ठीक भी हो सकता है, मगर जल्दी पकड़ में नहीं आया तो बाद में प्रॉब्लम होता है। और कोई भी बीमारी का है कि जल्दी पकड़ में आ गई, जैसा अपने बॉडी का भी कैंसर है, जल्दी पकड़ में आ गया, ऑपरेशन कर दिया, निकाल दिया टुकड़ा, जो टुकड़ा कैंसर का है निकाल दिया तो आदमी ठीक हो जाता है, पर वही कैंसर को अपन ने जल्दी पकड़ में नहीं आया तो बढ़ते 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 आदमी खलास हो जाता है। तो वैसा इसका है, करीब करीब ऐसा बोला जाता है कि अपने पॉपुलेशन में, मतलब 135 करोड़ की पॉपुलेशन हमने हमारे देश की पकड़ी, 135 करोड़ पॉपुलेशन, तो कोई कोई आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि भाई 100 में एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है एट एनी गिवन टाइम, 100 में एक, मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है, 100 में एक, कुछ ना कुछ फॉर्म में है, कुछ ना कुछ मात्रा में है। और कुछ आंकड़े, कुछ स्टडी ऐसे बोलती है कि 10 लाख लोग हर साल ये बीमारी से ग्रसित होते हैं अपने देश में, पर ईयर 10 लाख पेशेंट्स तैयार होते, मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है। कुछ अच्छे भी होते, कुछ नहीं तैयार होते, कुछ अच्छे होते, कुछ नहीं तैयार होते, चल रहे।
फिर ये बीमारी है क्या? ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा दिखाई देती है एज कंपेयर टू महिलाएं, और इसके लक्षण पहले बताता हूं, बाद में बाकी चीजें बताता हूं। इसके लक्षण ये होते हैं कि सबसे पहला और मेजर जो लक्षण है वो है थॉट डिसऑर्डर, मतलब विचारों की प्रॉब्लम, विचार ठीक नहीं, विचार डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, सबसे बड़ा और मेन जो है वो विचार डिसऑर्गेनाइज हो जाना। मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा ये आदमी को लगता है कि भाई मेरे बारे में है ना लोग बात कर रहे हैं, हालांकि इसको कोई प्रूफ नहीं है, मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं, लोग मेरे को देख के कभी कभी कॉमेंट पास करते हैं, मेरे तरफ देख के कोई उंगली उठाते हैं, ऐसा उसको खामोखा लगता है। मेरे दोस्त है ना मेरे खिलाफ है, मेरे ऑफिस के लोग जो है ना वो मेरे खिलाफ है, मेरे बॉस मेरे खिलाफ है, हालांकि उसको कोई प्रूफ नहीं, उसको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कि भाई लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने खिलाफ है, तो उसको बोलते हैं आइडियाज ऑफ रेफरेंस, या लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई ना कोई ना मेरे को फॉलो करते रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो कर रहा है। तो आइडियाज जो है आइडिया, तो आइडिया तक ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमको भी लगता है कि भाई मेरे बारे में लोग बात करते, कभी हमको भी लगता है, मगर जब वो डेल्यूजन बन जाता है, मतलब पक्का विचार हो जाता है, पक्का विचार कि नहीं नहीं लोग मेरे बारे में पक्का बात करते, मेरे को डाउट ही नहीं है, पक्का है, और मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तभी मुझे वो लोग कर देंगे, ऐसा जब हो जाता है और पक्का हो जाता है तो फिर उसको बोलते हैं वो डेल्यूजन है, डेल्यूजन थॉट डिसऑर्डर। और फिर वो होने के बाद में फिर आदमी कुछ भी बोल देता है, तो उसका बोलना भी सुसंगत नहीं होता, विसंगत हो जाता है, बोलेगा। दूसरा जो मेन कॉमन जो रहता है, जो बड़े लोगों में दिखाई देता है, शादीशुदा लोगों में, वो यह है कि सस्पिशियसनेस, और उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, मतलब पति का पत्नी के खिलाफ, पत्नी का पति के खिलाफ, कि नहीं इसका कुछ तो भी गड़बड़ है, इसको मैसेजेस आते हैं। आज मेरे तरफ एक आदमी आया था, आदमी कहेगा 32-35 साल का लड़का होगा, अभी शादी को 6-7 साल हो गए, उनको 2 बच्चे हैं, एक 2.5-3 साल का है, एक मेरे ख्याल 4-4.5 साल का है, और उसको बार बार ये लगता है कि ये मेरी जो वाइफ है तो ये इसका कोई तो भी बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ में बातचीत करती है, उसको व्हाट्सएप आते हैं, तो उसको वो चेक करते रहता है कि तेरे को किसके व्हाट्सएप आया है, क्या है। फिर उसने कभी एक बार पूछ लिया उसको कि तू सच्ची बता शादी के पहले तेरा बॉयफ्रेंड था क्या, बोल बोल बोल। तो फिर उसने एक बार बोल दिया, हाँ एक लड़का मेरे से प्यार कर रहा था कॉलेज में, अभी ऐसा लाइटली उसने बोल दिया, ऐसा कुछ खास उसका कुछ भी नहीं था, बस उसने वो पकड़ लिया, बोले उसके साथ में तेरा भी चल रहा है, मतलब वो काफी सारा उसका डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी चल हो जाती है। और शक, शक यहाँ तक जाता है कि लोग मेरे पैसे चुरा रहे, लोग मुझे मार डालेंगे, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, कुछ भी नहीं है, और वो फिर वो बहुत बहक जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इतना उसके ऊपर विश्वास करता है कि एक 70 साल की औरत, उसको लग रहा था कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मारेंगे, वो उठी, वो दूसरे माले पे रहते थे, उठी और भागना चालू किया, इधर से लोग आ रहे हैं, और जो उसने भागना, 70 साल की लेडी है, उसने भागना चालू किया, और उसने से बोले अभी मेरे को पकड़ेंगे बोलो, तो मैंने भागना चाहिए, और वो उसने गैलरी से कूद दिया, कूद दिया, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। तो ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं, हेलुसिनेशंस मतलब कानों में आवाज आती है, कुछ है नहीं कोई तभी भी आवाज आ रही है, उसको भास होता है कोई भी अपने बारे में बात कर रहा है, कुछ आवाज आ रही है, कुछ लोगों को दिखाई देता है। तो ऐसे अलग 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 उसके लक्षण हैं। नींद और कोई भी मानसिक बीमारी आप समझ जाओ, अभी करीब करीब 113 लोग है, मैं आपको स्ट्रेस फ्री के लिए मतलब जब बता रहा हूं तो आप समझ लो कि जब जब आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस तनाव, और बहुत सारे विचार आ रहे हैं,
सबसे पहला प्रॉब्लम हो जाता है नींद का उड़ जाना या नींद बराबर नहीं आना। एक तो नींद आपको जल्दी आएगी नहीं, और आएंगी तो जल्दी सुबह खुल जाएंगी और विचार चालू रहेंगे कंटिन्यूअसली विचार चालू। कौन से विचार चालू है कुछ बोल नहीं सकते, कंटिन्यूअस चालू है। तो यही पकड़ देना चाहिए हम कि भाई तनाव बहुत है, और तनाव है नींद आ रही नहीं है, फिर उसका असर खाने के ऊपर हो रहा है, खाना ठीक से नहीं खा रहे, तो जो खा रहे वो पच नहीं रहा है, पाचन नहीं हो रहा है ना। जब पाचन नहीं हो रहा है, बिहेवियर ठीक नहीं है, मतलब कभी कभी वो आदमी को ऐसा लगता है कि लोग मारने आ रहे हैं तो फिर वो कभी किसके ऊपर अटैक कर देगा, उसको लगता है कि अपने मन जैसा किसने नहीं किया तो फिर उसके ऊपर अटैक करो किसको मार देगा, वायलेंट हो जाएगा। तो जब भी कभी किसको नींद नहीं आती है, मतलब इसके पहले शुरू के लक्षण अपन ने पकड़ना चाहिए कि नींद नहीं आना नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा सा गुमसुम रहना कि भाई बातचीत करने वाला आदमी अभी बातचीत नहीं कर रहा है, थोड़ा गुमसुम है, कभी कभी शक करना चालू कर देता है, कभी खाने के ऊपर असर चालू हो गया है कि खाना बराबर नहीं खा रहा है, जल्दी उठ जाता है, अकेला अकेला रहना पसंद करता है, और कभी कभी फिर अकेले में बातचीत करता है, उसको क्या है उसको आवाज आती है तो फिर उनसे बातें करता है। तो ऐसे लक्षण दिखाई दिए तो फिर तुरंत उसका इलाज होना जरूरी है। अभी ये जो बीमारी होती है तो फिर लोग बोलते हैं कि इसका करना क्या है, तो मैं पहले बताता हूं कि भाई ये नहीं होने के लिए क्या करना है, क्योंकि किसको भी हो सकती है बीमारी, मुझे भी हो सकती है। तो लोग बोलते हैं इसका करना क्या क्यों है, तो नंबर एक कि इसका पहले एक तो कोई रीजन मालूम नहीं है कि बीमारी होती क्यों, ओवर थिंकिंग से होती है, बहुत ज्यादा थिंकिंग करना और ख्याली पुलाव करना वो एक कारण है। दूसरा है कि हेरिडिटी, मतलब माँ बाप को यदि बीमारी है तो बच्चे में बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते, हेरिडिटी है। तीसरा जो है वो है एनवायरनमेंट, कि आपका एनवायरनमेंट यदि बराबर नहीं है एनवायरनमेंट तो वो उसमें चांसेस ज्यादा है ये बीमारी होने। निगेटिव वातावरण है, पोषक एनवायरनमेंट नहीं है, लोग सपोर्ट करने वाले नहीं है, अकेले अकेले आइसोलेटेड है, तो होने के चांसेस ज्यादा है। फिर नेक्स्ट, जो लोग शराब पीते हैं, शराब गांजा अफू चरस मतलब कोई भी नशीले पदार्थ, उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। फिर नेक्स्ट, फिजिकली यदि अनफिट है, फिजिकली अनफिट, और फिजिकली अनफिट का मतलब है कि भाई आपको डायबिटीज है, आपको बहुत वीक हो चुके हैं, शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, आपका खाना समय पे नहीं हो रहा है, कभी कभी शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कभी कभी बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे इसमें आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा यदि डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर, अभी क्या हो गया कि एक माँ बाप ने मेरे तरफ एक 17 साल की लड़की लाया, उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि 12th स्टैंडर्ड में वो कभी खुद बोलना चालू कि मेरे को 100% मार्क होना ही होना है, 100%। माँ बाप ने इतना प्रेशर डाला हुआ है तो बोलती हाँ, और फिर अभी उसको डर लगने लगा यदि मेरे को 100% मार्क नहीं मिले तो मैं IIT में नहीं जाऊंगी, और फिर लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत बुरा कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे, इतना प्रेशर आ गया, उसकी नींद खराब हो गई, उसका पढ़ाई में ख्याल नहीं, उसको कोई याद नहीं आ रहा है, और ये होने के बाद में उसको और टेंशन आ गया कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है, समझ नहीं रहा है, अब तो गई मैं काम से, और फिर विशेष साइकिल चलोगे, फिर और विचार, फिर और ख्याल नहीं, खलास, मतलब जितने मार्क मिलना था, अदरवाइज 80, 85, 90 की लड़की 100 का टारगेट रख दिया, और बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, और अभी बस खलास, अभी मतलब अभी ड्रॉप लेने का सोच रही है कि अभी ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अभी याद ही नहीं रहा है, ख्याल ही नहीं रहा है कुछ। बहुत ज्यादा प्रेशर, डिमांडिंग पेरेंट्स, वातावरण, माँ बाप में ये ऐसी बीमारी रहना, और फिर
सबसे ज्यादा जो अभी प्रूव हो चुका है वो है कि केमिकल लोचा, दिमाग में जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल हार्मोन्स, वो जो हार्मोन्स है दिमाग में, तो उसमें डोपामिन का ज्यादा होना, डोपामिन सेरोटोनिन ये जो हार्मोन्स है इसका बहुत ज्यादा मात्रा में होना, या उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ना ब्रेन की, मतलब मात्रा उतनी है मगर ब्रेन बहुत सेंसिटिव हो, उतनी मात्रा को बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है ब्रेन, हाइपर रिएक्टिविटी, तो उससे फिर हो जाता है, तो उसको डोपामिनर्जिक हाइपोथेसिस कहते हैं, डोपामिनर्जिक हाइपोथेसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत ही फेमस है, हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि भाई डोपामिन की लेवल बढ़ जाती, और बहुत हद तक ये सत्य है ये हाइपोथेसिस, क्योंकि डोपामिन का ज्यादा ब्रेन में होना या सेंसिटिविटी ज्यादा होना, जब मेरे पास में कितना भी वायलेंट पेशेंट आ गया, कितना भी, और वायलेंट आता है क्योंकि डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कितना भी वायलेंट आ गया उसको इंजेक्शन दे दिया डोपामिन कम करने का, डोपामिन कम करने का या डोपामिन को थोपने का इंजेक्शन दे दिया, वो शांत हो जाता आधे घंटे एक घंटे, तो बहुत हद तक ये डोपामिन हाइपोथेसिस बराबर है, क्योंकि उसका एविडेंस है अपने पास, वे ये हाइपोथेसिस है उससे ये दिया इंजेक्शन तो वो कम हो जाता है। या मैं रुकता हूं, अभी तक जो मैंने बोला उसमें आपको कुछ सवाल होंगे, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये तुकाराम जी यादव इनका सवाल है, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। यस यादव जी बोलिए। यस तुकाराम जी यादव बोलो। नहीं अभय, अभय बोलिए। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। सर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप बोल रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा क्या बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड है, अंतर मन है सर, वो क्या बोलते हैं वो हमारे वो मतलब कि मतलब इमोशंस क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी में, आप ये कह रहे हैं सर। लेकिन सर जब हमारी जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो सर क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं तब भी यही कहेंगे क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही क्या बोलते हैं उस सिचुएशन में भी अगर कोई बंदा डर रहा है तो वो क्या बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड ही रीजन है ना कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? फिर से रिपीट करो सवाल। क्योंकि सर ये तो क्लियर सर मेरा क्वेश्चन ये था आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एक सेकंड। हाँ सर सर मेरा हेलो। हाँ सर मेरा क्वेश्चन सर आप ये बोलते हो कि हमारे नहीं आपका आवाज है ना बिल्कुल ही सुनाई नहीं आ रहा है। अबे एक सेकंड सर अभी ठीक है सर बोल के देखो। सर आपने जैसे बताया कि डोपामिन जब बढ़ता है तो वायलेंट हो जाते हैं, तो लेकिन डोपामिन तो हैप्पी हार्मोन है ना सर, तो उसका जो अगर क्वांटिटी इंक्रीज ज्यादा हो रहा है तो अच्छा है, हैप्पी हार्मोन है, बहुत ज्यादा बढ़ गया कंट्रोल के बाहर, और कोई भी चीज ज्यादा होती है कंट्रोल के बाहर तो मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा डोपामिन की, सेरोटोनिन की बहुत ज्यादा, तो फिर वो बिहेवियर जो है अपना वो कंट्रोल में रहते नहीं, इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज जो है अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं है ना। तो मतलब सर
जो हम करते हैं, जो ये हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसको भी लिमिट में करें ऐसा? कोई भी चीज लिमिट में होना चाहिए ना, ज्यादा करेंगे लिमिट के बाहर तो प्रॉब्लम होगा ना। डोपामिन ज्यादा लिमिट के बाहर बढ़ गया तो प्रॉब्लम होगा ना, तो लिमिट के बाहर ना बढ़ना चाहिए। ये जो डिप्रेशन है, ये सच में कुछ है या फिर मतलब हमारे दिमाग का एक ख्याल फुलाव है? डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती है सर? हाँ, डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में ये डोपामिन सेरोटोनिन जो हॉर्मोन्स है, हैप्पी हॉर्मोन्स, इनकी लेवल कम हो जाती। लेवल कम हो गई कि फिर थॉट, विचार जो है वो विचार, मूड है ना, सब डाउन हो जाते हैं, सब नर्वसनेस आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। मतलब जैसा डोपामिन ज्यादा बढ़ गया तो बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा बातें, धूमधाम करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, नींद नहीं लेगा, है ना, हाइयर साइड में हाइपर हो गया। अब डाउन हो गया तो सब डाउन, विचार कम, नींद ज्यादा आना, फिर भूख नहीं लगना, फिर स्लो विचार, काम स्लो, सब धीरे 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 कम होते जाएंगे। हमको कम भी नहीं होना, ज्यादा भी नहीं होना, हमको होना बीच का लेवल, बराबर है। और इसलिए फिर हमको बैलेंस लाइफ जीना है, बैलेंस द लाइफ। कुछ भी ज्यादा करेंगे, नीचे भी ज्यादा जाएंगे तो प्रॉब्लम है, ज्यादा ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम। तो सर ये जो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दो तरह की सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है डिप्रेशन के लिए, तो ये आप सीधी सीधी मेडिसिन ले लो, है ना, सीधी मेडिसिन ले लो। मेडिसिन लेके आपका जो डोपामिन सेरोटोनिन लेवल जो कम हो चुके है उसको बढ़ाओ, जब केमिकल इम्बेलेंस है तो। मगर कुछ डिप्रेशन जो है उसमें इतना कम नहीं होता है डोपामिन सेरोटोनिन, है ना, उसको बोलते हैं न्यूरोटिक डिप्रेशन, मतलब कम मात्रा में डिप्रेशन। और जब कम मात्रा में डिप्रेशन है, कम, बहुत ही कम लेवल का डिप्रेशन है, तो वो डिप्रेशन यूजुअली वातावरण में कुछ तो भी हो गया तो हम डिप्रेस हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, किसकी डेथ हो गई, कोई बीमार है हमारे घर में, कोई रिलेटिव की मृत्यु हो गई, एग्जाम में फेल हो गए, बन नहीं रही है, अनबन हो रही है हस्बैंड वाइफ में, बेटा बाप में, लॉस हो गया, पैसे का लॉस हो गया, धंधा बैठ गया, रिलेशनशिप खराब हो गई, तो ये सब कारण है कि जिसकी वजह से फिर डिप्रेशन आता है। तो वो वातावरण के कारण से डिप्रेशन आता है, वातावरण से कुछ ना कुछ वातावरण में गड़बड़ हो गई और डिप्रेशन आता है। और कुछ डिप्रेशन ऐसे है कि वातावरण में कुछ भी नहीं हुआ, वातावरण में सब कुछ ठीक है, तभी भी ये आदमी अचानक डिप्रेस, और वो है केमिकल लोचा, कि वातावरण में कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, और तभी डिप्रेशन आ गया, तो वो है केमिकल लोचा। तो जो केमिकल लोचा वाला डिप्रेशन है उसके लिए मेडिसिन लेना जरूरी ही है। मगर जो बाहरी वातावरण से कोई प्रॉब्लम होकर डिप्रेशन आता है तो उसको मेडिसिन लेना जरूरी नहीं है, उसको काउंसिलिंग करते हैं, हिप्नोसिस करते हैं, सजेशंस देते हैं, है ना, तो उसमें वो डिप्रेशन कैसा ऐसा टाइम जाएगा, काउंसिलिंग करेंगे तो उसको ठीक लगेगा, है ना। जैसा कोई मृत्यु हो गई किसकी, हम डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे जैसे दिन जाते हैं तो आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं। सर लेकिन ये सारी सिचुएशन तो पहले के जमाने में भी हुआ करती थी, तब तो लोग डिप्रेस नहीं होते थे, तो अब किसने ये बोला? सिचुएशन ऐसे क्यों? किसने नहीं बोला? किसने बोला पहले डिप्रेस नहीं होते थे? मतलब इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, मतलब आपको मालूम, देखो पहले जमाने में, पहले जमाने में बॉम्बे में कोई व्यक्ति को, कोई बड़ी व्यक्ति है समझो, उसको डिप्रेशन हो गया, हाँ, मुंबई में समझो कोई एक्टर है, अभी एक एक्टर मर गया, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने डिप्रेशन उसको आ गया, उसने सुसाइड कर लिया, है ना, चलो नाम ही लेता हूँ सुशांत सिंह राजपूत, तो आपको पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं था, मालूम ही नहीं था किसने सुसाइड कर लिया, तो मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है, पहले मालूम ही नहीं पड़ता था ना, आज तो सब मालूम पड़ता है सब जगह, तो बोलते रहे बाप रे क्या हो गया, पेपर में आएगा, टीवी पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, इधर उधर जो बम्बार्डिंग हो जाएगा सब तरह मालूम हो जाएगा, एक मिनट में अमेरिका में मालूम हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया, अमेरिका में मालूम, पहले तो मालूम ही नहीं होता था क्या चल रहा है ना।
तो अभी कोई ये नहीं है, आंकड़े वही है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो लोग बढ़ गए, पेशेंट बढ़ गए, पहले पॉपुलेशन कम थी तो, और फिर कुछ आंकड़े बढ़े हुए, ऐसा नहीं कि बढ़े नहीं है, जैसा डिप्रेशन बढ़ गया है, एंग्जाइटी बढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, क्योंकि अभी पहले जैसा नहीं रहा है। अभी क्या हो गया है कि मैंने पिछले बार भी कवर किया था कि मेरा बेटा बोलता है कि देखो मेरे दोस्त, उसके दोस्त ने 50,000 का मोबाइल लिया आईफोन, मुझे भी होना, डिमांड बढ़ गई, अब मैं नहीं लाके दे सकता हूँ। अपना बेटा बोलेगा देखो मेरे दोस्त ने है ना अभी इतना इतना ये खरीद लिया, फिर वैसा होगा। आप आपके हस्बैंड को बोलेंगे देखो वो जो है मेरी सहेली, उसके हस्बैंड ने देखो उसके लिए 5,000 रुपए की साड़ी लाया बर्थडे के ऊपर, आपने तो बर्थडे के ऊपर मेरे को एक किस दिया, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो डिमांड बढ़ गई, सब चीजें बुला रही है आपको, बड़े बड़े होटल्स की जाहिरात आ रही है, रेस्टोरेंट की जाहिरात आ रही है, बड़े बड़े खाद्य पदार्थ की जाहिरात आ रही है, बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक्स की जाहिरात आ रही है, चॉकलेट जैसी जाहिरात है, सेलिब्रेशन करो, चॉकलेट खाओ, आइसक्रीम से, फिर ये डोमिनोज पिज्जा, फिर बर्गर से, सब बुला रहे हैं आपको, इधर आओ हमारे तरफ आओ, हमारे तरफ आओ, हमको खरीदो, फ्लैट वाले लोगों की जाहिरात आ रही है, हमारे फ्लैट इतने अच्छे है वहां आ जाओ, है ना। कपड़े वाले आपको बुला रहे, गारमेंट्स के बड़े बड़े शोरूम, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके शोरूम खुलते नहीं थे, अभी वो शोरूम खुल गए, अकोला जैसे छोटे गांव में बड़े बड़े शोरूम खुल गए, बड़े बड़े मोबाइल सब बुला रहे आपको कि आ जाओ, और हमको मालूम है कि हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती नहीं है, कुछ लोगों की हो जाती, फिर हम डिप्रेस हो जाते, राइट। यस किंग राजशेखर पाटिल, किंग राजशेखर बोलो, राजशेखर Sir. Yes, sir. Thank you, sir. Rashikar here. Sir, as you told this one, after giving a antidote for the dopamine, dopamine ke injection kam karne ke liye injection dene ke baad, wo kitne waqt tak rahega, sir? Wo dena padta hai. Matlab ye schizophrenia hai. Schizophrenia hai. To usually dekho, schizophrenia ka kya hai? Main cancer kyun bola? इसलिए बोला कि स्किजोफ्रेनिया तीन इसमें डिवाइड होता है, 1/3 जो है, 1/3 लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा कहे 1/3, आप जितने जल्दी लाओगे ट्रीटमेंट के लिए ठीक हो जाएगा, 6 से 9 महीना दवाई दो, ज्यादा से ज्यादा साल भर दवाई दे दो, 1 साल में बाद में दवाई खत्म करो, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, पहला। दूसरा 33% ऐसा है कि वो उसको दवाई लेनी पड़ती है जिंदगी भर, ठीक रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम धंधा सब चालू है, मगर दवाई लेनी पड़ती है, दवाई नहीं लिया तो प्रॉब्लम होता है। जैसे डायबिटीज का है कि डायबिटीज की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी, दमा है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, स्किन डिसीज है ना, सोरियासिस हुआ है, जिंदगी भर दवाई खानी, बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसकी जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, वैसा स्किज़ोफ्रेनिया है कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे 33% लोग हैं और वो दवाई खा के अच्छे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर माय क्वेश्चन इज, हां सर माय क्वेश्चन इज, आप बताए द डोपामिन के कम करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ता है, इंजेक्शन का इंपैक्ट कितना ओवर तक रहेगा? मैं बोला ना आपको, इंजेक्शन देते हैं बाद में गोली देते हैं, और गोली आपको साल भर देनी पड़ेगी। हां सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, है ना, 1 साल तक, और वो इंजेक्शन का असर जो है, जो इंजेक्शन दिया है उसको क्वाइट कर दिया, वो 6 से 8 घंटे उसका असर चलेगा, फिर वो उसको दवाई देते, फिर हम जैसा वो शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, फिर हम क्या बोलते, चलो अभी इसको गोली दे दो, उसको गोली खिलाते, तो गोली खाने के बाद में वो शांत हो जाता है, फिर गोली का असर, क्योंकि वायलेंट जब है वो धूमधाम कर रहा है तो गोली खाने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर हमको उसको पकड़ के इंजेक्शन देना पड़ेगा, है ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये 33% जो बचे हुए जो लोग है वो ऐसे है कि वो दवाई खा के भी उनको फायदा होता नहीं, जितना चाहिए उतना वो पूरे नॉर्मल नहीं होते, दवाई खाते भी है तभी भी उनको तकलीफ तो है ही है, वो पूरे अच्छे होते नहीं है, और इसलिए मैंने बोला कि वो कैंसर है, क्योंकि जैसा कैंसर ठीक नहीं होता वैसा ये 33% लोग जो उनका ये ठीक नहीं होता है, कितना भी खाओ दवाई, कुछ भी करो, शॉक ट्रीटमेंट हो, कुछ करो, है ना। यूजुअली क्या होता है कि समझो इंजेक्शन देते हैं, फिर दवाई देते हैं, दवाई दे के फिर गोलियां दे के कंटिन्यू करते हैं, और वो भी नहीं हुआ तो फिर हम शॉक ट्रीटमेंट देते। अब ये लोग जो है बचा हुआ 33, उनको शॉक दो, दवाई दो, कुछ भी करो, उनको कुछ फायदा होता नहीं, तो इसलिए बेस्ट ये है कि प्रिवेंशन ही करना अच्छा है,
है ना, प्रिवेंशन किए तो अच्छा है। और प्रिवेंशन में ऐसा है कि समझो आपका बेटा, समझो आपका बेटा अभी 8-10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये कोई अलग लाइन में जा रहा है, भाई कोई उसको आदत नहीं लग रही है, कोई नशा पानी कर रहा है क्या, कोई अकेले अकेले रह रहा है क्या, मतलब आपको ऐसा नजर रखना पड़ता है कि भाई हम क्या करते हैं यूजुअली कि ये बीमारी से आदमी मरता नहीं है, तो जब तक बहुत ज्यादा होता नहीं तब तक आते नहीं। एक तो क्या है कि देहातों में किसान लोग जो रहते हैं, गरीब गरीब लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, वो क्या बोलते हैं जाएंगे बाद में करेंगे, तो जब तक ज्यादा होता नहीं तब तक लाते नहीं है, और तब तक क्या करेंगे, तब तक झाड़ फूक की दवाई देंगे, मंदिर में लेके जाएंगे, मस्जिद में लेके जाएंगे, बाहर क्या करेंगे, पानी फूक कहीं बाबा के पास में लेके जाएंगे कि बाहर का है, बाहर का है, बाहर का असर है, भूत पलित है, ऐसा करके उसका इलाज करते रहेंगे, और फिर कहीं जमाने तो फिर हमारे पास आ गया, तो तब तक क्या होता है, तब तक फिर बहुत समय निकल जाता है, तो इसलिए जल्दी इलाज करना बहुत जरूरी है। सर आप बोल रहे थे अभी, सर आप बोल रहे थे वो सिज़ोफोर्निया, इज दैट देयर इज बाय अफर्मेशन वी कैन क्योर इट? नहीं, सिज़ोफोर्निया का अफर्मेशन से नहीं होना, हम क्या करते हैं अफर में, एक बार पेशेंट अच्छा हो गया, दवाई देके अच्छा होने के बाद में कुछ कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि तभी भी काम करने की इच्छा नहीं है, नहीं जा रहे हैं, है मतलब उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल सिम्टम्स फॉर एग्जांपल, है ना, रेसिडुअल सिम्टम्स है, फिर उस समय हम उनको बोलते हैं कि ठीक है अभी अफर्मेशन दो सुनो, कुछ हमारे वीडियोज है, हिप्नोडर्म के वीडियोज है वो सुनो, मतलब दवा लेता है, दवा तो लेना जरूरी है, और दवा लेता है और दवा के साथ साथ फिर जरा पॉजिटिव थिंकिंग करो, सोचो, तो वो जो नेगेटिव सिम्टम्स है वहां से वो बाहर आ सकता है, मगर दवाई लेनी ही पड़ती है, दवाई लेके कंट्रोल में आता है पेशेंट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, तो फिर अभी इसके लिए क्या है कि देखो ये स्ट्रेस फ्री का प्रोग्राम है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको कोई बीमारी होना ही नहीं चाहिए, कोई भी बीमारी होनी नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो कुछ आपको बताता हूँ। ये तो छोड़ो अभी, ये तो मन का कैंसर है, बाकी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसा शुरू में किसने शेयर किया पैनिक अटैक का है, कि पैनिक अटैक आ रहा है, किसको एंग्जाइटी है, चिंता घबराहट है, किसको डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, तो किसको हिस्टीरिया की बीमारी होती है, ऐसे अलग 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 काफी सारी बीमारियां हैं। तो फिर हमको मानसिक और शारीरिक सक्षम होना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है। तो मानसिक फिटनेस के लिए क्या है, मानसिक फिटनेस के लिए एक तो क्या है कि जैसा मैंने पहले बताया बेसिक थिंग्स, कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म जो मैं क्लासेस लेता हूँ सेल्फ हिप्नोटिज्म के, लोगों को सिखाता हूँ ताकि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिलैक्स करना उन सिखाते हैं, या फिर ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है, मेंटल क्वाइटनेस कूलनेस रहता है, अच्छा खाना पीना, फिर कोई भी नशा नहीं करते, कुछ भी नशा नहीं, नशा जो है नशा वाले लोगों को जल्दी बीमारी होती है। फिर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो लोग रहते हैं जल्दी छोड़ना चाहिए नेगेटिव जगह, कुछ कुछ ऐसे रहती है जगह कि वहां आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और वहां का वातावरण ही खराब है, वातावरण नेगेटिव है, कंपनी ग्रो नहीं हो रही है, सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं, छोड़ दो निकल जाओ वहां से, क्योंकि आप नेगेटिव बन जाओगे। फिर अच्छे ऐसे आपको दोस्त होना कि जो दोस्तों के साथ में आप सब बातें शेयर कर, शेयरिंग कर, मतलब मन में बातें रखते हैं कि उसको बताते नहीं है तो घुटन सी हो जाती है और फिर उसका विस्फोट कहीं हो जाता है, तो वो नहीं करना है आपको, अच्छे दोस्त होना। सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट जो है कि हरदम रोज दिमाग में इनकम्प्लीशन नहीं रखना, इनकम्प्लीशन इसका मतलब है, इनकम्प्लीशन नहीं रखना इसका मतलब है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है और मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी सरिता हमारी लीडर है, वो लीड करते करके अभी उसका एक ही वीडियो चालू, इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ मैं, कि समझो अभी सरिता के बारे में मुझे कुछ बोलना है और मैं बोल नहीं रहा हूँ, हाँ अब बोल नहीं रहा हूँ सरिता के बारे में, अब सरिता मेरे घर में है, मेरी बहन है, सिस्टर है, और मैं उसको कुछ बोल नहीं रहा हूँ और दिमाग में रख रहा हूँ, अब क्या होगा, उसको बोलते इनकम्प्लीशन, सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रहा हूँ,
मुझे गुस्सा आ रहा है तो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे प्यार है तो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ डिमांड है तो नहीं बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा? फिर अंदर 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 बढ़ते जाएंगे। एक व्यक्ति के साथ में ऐसा है, दूसरे व्यक्ति के साथ में ऐसा है, तीसरे व्यक्ति के साथ में ऐसा है, आप सिर्फ ऐसे जमा कर रहे हैं इनकम्प्लीशन। एक दिन फिर होता है ब्लास्ट, भड़का हो जाता है और पता लगता नहीं फिर हमको, कह रहे इतना अच्छा आदमी था एकदम अचानक क्या हो गया। एक दिन नहीं हुआ, बहुत दिन का भड़का है। अपसेट होना, अपसेट, छोटी छोटी बात के ऊपर अपसेट हो जाना, और वो एक कारण है इनकम्प्लीशन, मतलब इनकम्प्लीशन से अपसेट हो जाते हैं, इनकम्प्लीशन रहना। और उसको ये बोलते हैं कि हम अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन मतलब बात करना नहीं, डिलीवर नहीं करना, जो बोलना है वो बात क्लियर कट बोलने का नहीं। दिमाग में आती है, दिमाग में आती है, एक दिन प्रेशर बढ़ते जाता है और फिर प्रेशर कुकर की सिट्टी बज जाती है और थड़ाल से एकदम ढक्कन उड़ जाता है। अपसेट कम से कम होना है, गुस्सा कम से कम है, उसके लिए क्या है, एक्सपेक्टेशंस कम करना जरूरी। हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स। बहुत ज्यादा अपेक्षा, इससे अपेक्षा, उससे अपेक्षा, इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, ये जब हम करते हैं एक्सपेक्टेशन अपेक्षा, क्या होता है कि अपेक्षा भंग होने वाला ही है, अपेक्षा भंग होने वाला ही है, और उसमें फिर आप अपसेट हो जाए। तो ये हमको देखना है। तीसरा जो है वो है कि हम लोग क्या कहेंगे बीमारी से ग्रस्त है बहुत ज्यादा, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, मैं ऐसा बोल लोग क्या, ऐसा करो लोग क्या कहेंगे, ऐसा लोग क्या कहेंगे, चालू है चालू है चालू है, ये बहुत ज्यादा हो गया तो आदमी क्या करता है, आदमी विड्रॉ हो जाता है बाहर से, बाहरी वातावरण से विड्रॉ हो जाता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करो लोग क्या कहेंगे, विड्रॉ होना चालू हो जाता है। विड्रॉ हो गया अंदर अंदर, अपने दिमाग में घुसना चालू हो गया, बाहर मिलना जुलना कम हो गया, आइसोलेशन में जाना चालू हो गया, बीमारी हो गई। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ही मत करो, लोग तो कुछ भी कहने वाले, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसमें आपने विचलित नहीं होने का है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है वो करना, और आपको अच्छा लगता है इसका मतलब कुछ भी करेंगे ऐसा भी नहीं, जो भी अच्छा लगता है वो आप करेंगे, मगर वो जो है वो मॉरली ठीक है कि नहीं, मॉरली नैतिकता ऑनेस्टी है कि नहीं, है ना, ऑनेस्टली आप कर रहे हैं, ट्रुथफुलनेस है कि नहीं, लॉ अबाइडिंग है कि नहीं, अगेंस्ट लॉ नहीं जा रहे, अगेंस्ट एथिक्स नहीं जा रहे, मॉरलिटी में नहीं जा रहे, मतलब अगेंस्ट मॉरल नहीं कर रहे, तो जब ऐसा सब करेंगे तो फिर आपको जो लगता है वो बराबर है। लॉ तोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम। तो ये हम बातें करते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। फिर नेक्स्ट जो है कि जो हमको और उसे मतलब सतर्क रहना है वो है कि खामोखाप फ्यूचर के बारे में चिंता करते खामोखाप। अरे जो हुआ ही नहीं उसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, जो होने वाला है कि नहीं मालूम ही नहीं उसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, तो वो भी गलत है, उससे भी फिर कुछ ना कुछ मानसिक बीमारी हो जाती है। फिर कुछ ऐसे विचार आते हैं, वो विचारों को डिबेट करना वो बहुत जरूरी है और वो आपने कला सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मैं इधर से जा रहा हूँ, सरिता उधर से आ रही है, और मैंने सरिता को बोला हाय हेलो बोला, और सरिता ने मेरे तरफ देखा ही भी नहीं। अब मैंने मेरे दिमाग में कर लिया कि देखो सरिता है ना मुझे निगलेक्ट कर रही है, मैंने हाय किया उसने हाय नहीं किया। अब मैं दिमाग में भी बैठा के रखा हूँ चालू है, फिर घर जा रहा हूँ तो वही दिमाग में विचार चालू है। फिर घर में जाता हूँ, पत्नी दरवाजा खुलती नहीं जल्दी, उसने दरवाजा नहीं खोला, देर लगाई, देखो मेरी चिंता ही नहीं, मेरी फिक्र ही नहीं, पता नहीं क्या कर रही होंगी, इससे बात कर रही थी क्या, कुछ ना कुछ इसका होगा इसलिए जल्दी नहीं दरवाजा खोला उसने, चालू दिमाग में विचार। तो ये हरदम अपने आप को सोचना है कि क्या ये जो विचार मैं कर रहा हूं क्या इसको कुछ लॉजिक है, क्या विचार है सही है, क्या रैशनल है। मैंने सरिता को हाई किया उसने हाई नहीं किया, इसका मतलब ये होता है क्या कि सरिता मुझे निगलेक्ट कर रही है, क्या ये सच है, तो ये डिबेट करना जरूरी है। मैंने बेल दबाई पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला, टाइम लगाया, इसका मतलब मुझे निगलेक्ट कर रही है, इसका मतलब उसका कुछ तो भी लफड़ा है,
वो और किसी से बात कर रही होंगी मोबाइल के ऊपर और मुझे नहीं बता रही है, क्या सही है कि वो लेटरिन गई थी इसलिए टाइम लग गया बाहर आने को। तो हर बार ये हम जब उसके लिए डिबेट करेंगे अपने विचारों के लिए, डिबेट करना अपने विचारों को अपने डिबेट करना ये जरूरी है। और ये हम भी थिंकिंग करेंगे इस तरह का तो ये कोई भी थिंकिंग डिसऑर्डर आपको होंगे नहीं। यस, काफी लोगों के हाथ ऊपर है, एक दो सवाल लेता हूं मैं। रोहित पवार, यस बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। थोड़ा सा वियर्ड सवाल है। हाँ, यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया, जो माइल्ड स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं, जो वायलेंट नहीं होते, जो रोड की साइड में दिखते हैं कभी कभी, तो यूजुअली वो तो कभी डिप्रेस नहीं दिखते या कभी सुसाइड नहीं करते। तो पागल होना ठीक है या फिर समझदार होना गलत है? समझदार लोग ही लटक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनका खाने पीने का ये नहीं होता, जंगल के बीच में दिखेंगे फिर भी उनकी बॉडी भी ठीक होती है ना, दुबले पतले दिखेंगे ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो देखो रोड साइड घूम रहे है और वो पागल है, ऐसे बहुत सारे लोग है कि रोड साइड ऐसे पड़े हुए और उनको बहुत सारी बीमारियां हैं और वो ऐसे मर रहे हैं और वो बेवारस करके उनको उठा के ले जाती घर में, ऐसे भी बहुत लोग है। देखो जो पागल हो चुके हैं ना एकदम पागल, तो उनको डिप्रेशन नहीं होता है क्योंकि उनको विचार वो उस तरह के रहते नहीं, वो ऑलवेज स्माइलिंग रहते हैं, हंसते रहते हर चीज पे। हाँ, क्योंकि देखो क्या है कि उनको डिप्रेशन नहीं है। सुसाइड आदमी कब करता है? सुसाइड आदमी वो आदमी सुसाइड करते हैं वो डिप्रेस्ड है। स्किज़ोफ्रेनिया वाले आदमी डिप्रेस नहीं रहते, इसलिए सुसाइड स्किज़ोफ्रेनिया में होता ही नहीं, बहुत कम है। हाँ, सुसाइड स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। कब होता है? जब उसके साथ में डिप्रेशन आता है। जैसे कि आपने वो लेडीज का बताया था, वो खुद गई थी ऊपर से। हाँ, कि वो खुद लिया उसने। उसने खुद लिया क्योंकि उसको आवाज आ रही थी कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो उसने डर के खुद लिया, इसलिए उसने मतलब सुसाइड नहीं था एक्चुअली, वो डर के मारे खुद गई। ये डिप्रेशन शायद क्या ये जनरेशन का प्रॉब्लम है मिलेनियल, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सबको पता हो गई है आजकल डिप्रेशन चीज क्या होती है। शुरुआत एक लेडीज ने पूछा था कि पहले के जमाने में डिप्रेशन नहीं था। डिप्रेशन लेकिन इतना नहीं था, मालूम नहीं पड़ता था, होता था लेकिन लोग मोस्टली ओशो आश्रम या हिमालय निकल जाते थे, तब भी था लोग साधु लोग संन्यास लेते थे, संन्यास लेते थे निकल जाते थे। तो क्या ये फिर जनरेशन का प्रॉब्लम है? हम ये इंस्टाग्राम ये सब लोगों का देखा भी, लाइफ देख के जल रहे हैं बस। मैं बोला ना अभी कि अभी ये जो नया जनरेशन है और नया अभी जो दुनिया में हम रह रहे हैं उससे काफी सारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहा है, और हमको मालूम भी ज्यादा हो रहा है कैसा है करके। पहले नहीं था ना इतना, मगर पहले था ही, ऐसा नहीं कि नहीं था, इतना नहीं था कि पॉपुलेशन भी कम थी, हमको मालूम भी नहीं होता था और इतनी डिमांड भी नहीं थी। थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया इसलिए अभी डॉक्टर के पास आते, पहले साधु बाबा ढोंगी बाबा इनके पास चले जाते थे, इसलिए शायद परसेंटेज कम था विजिटिंग का। और पहले बोलते थे कि भाई ये इसका बाहर का है, इसको भूत पलित है। हाँ, बाहर का करके उसको ये कर देते थे, है ना। अभी कुछ लोगों में ये होता है कि मतलब बूढ़े लोग जो है उनको जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो उनको चमड़ी का भास होता है, चमड़ी का, कि उनको लगता है कि चमड़ी के अंदर जो है ना कीड़े चल रहे हैं। और मेरे तरफ काफी ऐसे लोग आते हैं 70, 75, 80, बोले देखो 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 ये कीड़े चल रहे हैं। मेरे कहाँ है, आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख नहीं रहे, मगर मुझे फील हो रहा है कि चमड़ी के अंदर वो कीड़े है। देखो ऐसा, देखो ये ऐसा कीड़ा, तो बताओ कहाँ कीड़ा है? नहीं बोले वो तो अभी चले गया, मगर वो था इसके ऐसा, है ना। तो ऐसा उनको भास होते रहता है, चमड़ी का भास। तो कुछ सर अभी थोड़ी देर पहले आपको किसी ने पूछा था अफर्मेशन से पागलपन आता है क्या, लेकिन आपने एक स्टोरी बताई थी आपके कॉलेज के टाइम की, आप चार दोस्त मिलके एक दोस्त को बीमार करवाते थे, बीमार बोल बोल के। तो आप अफर्मेशन से बीमार कर सकते थे, तो क्या ये किसी को हर बार पागल है ऐसा बोलते रहे तो वो बन जाता है क्या सच में? मैं क्या बोला, वातावरण में आप जब रहेंगे नेगेटिव वातावरण में, और नेगेटिव वातावरण कोई ऐसा सेल्फ इसमें खेला गया डिप्रेशन में कि यार पागल समझ रहे हैं मुझे, जाता है ना जो देखो ना, इसलिए मैंने बोला ना वातावरण, आपका वातावरण कैसा है। जब आपका वातावरण हर बार आपको डिप्रेस करने वाला है, डिप्रेस करने वाला है, खराब बोलने वाला है ना, तो वो होगा ना, क्यों नहीं होगा? आप बार बार वही बोले, बार बार वही बोलेंगे,
हाँ है ना, तो कैसा होगा? तो यानी पागल हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, बार बार। अभी आप बच्चों को तो मैं हरदम बोलता हूँ, बच्चों को तो गधा है तेरे को अक्ल नहीं, गधा है तेरे को अक्ल नहीं, गधा है तेरे को अक्ल नहीं, कितने बार बोलेंगे? सच्ची गधा हो जाता हो फिर उसे तेरे को समझता नहीं इतना, तू कैसा गधा हो गया, तुमने बोले बोल बोल के मेरे को गधा बना दिया। बड़ा सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है वो ऐसा करने से। दूसरा एक क्वेश्चन था सर, आपने जो डोपामिन का सर्ज बोला था कि ज्यादा बढ़ने से एक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जब बढ़ जाता है तो वायलेंट बन जाता है आदमी, लेकिन अभी जो प्रिस्क्रिप्शन ले रहा हो तो उसमें सेरोटोनिन रीअपटेक का दवाई है, तो अभी भी वो सेरोटोनिन का सर्ज ही चल रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है अभी खाने के बाद मुझे, क्योंकि मेरा हैप्पी वाला मूड कॉन्स्टेंट रह रहा है अभी, ड्रेन नहीं होता है वो जल्दी, तो जब दवाई मैं बंद कर दूंगा तो मेरा थ्रेशोल्ड लेवल भी नीचे आ जाएगा, तो फिर से डिप्रेस फील करूंगा क्या, मैं लो फील करूंगा क्या? मेरे लिए मुश्किल है, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, आप आपके डॉक्टर कंसल्ट करो है ना, तो आपको बता देंगे कि वो स्टडी करना पड़ेगा, एकदम ऐसा दो मिनट में बात करना मेरे लिए सही नहीं, और आपको भी बताना ठीक नहीं मैंने।